हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। कई बार ऐसे बोलते हैं, जैसे जब साउथ इंडिया में मद्रास में सुनामी आया था तो कई वैष्णव भी मर गए थे, और कई बार ऐसे देखते हैं कई वैष्णव को एक्सीडेंट में मर गए, कई कुछ स्थान पर अग्नि हो गया तो अग्नि में जल गए, तो कई लोग मन में प्रश्न आता है कि वैष्णव कैसे, क्या हुआ आपके पास। देखिए, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, जिसमें परीक्षित महाराज जब श्राप मिला उनको, तो वो समय तक्षक उनको अग्नि से जला देगा, श्राप मिला। उसमें जीव गोस्वामी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि भगवान का जो प्रिय भक्त होता है तो अगर उनके जाना जरूरी है तो जाने की व्यवस्था कैसी होगी, डजंट मैटर, कैसे जाएंगे, जाना है तो उनको भगवतधाम लेके जाना है, तो घटना कैसी घटी है ये नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि जल्दी ले जाएं। तो परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त हैं वैसे भी, उनको कोई ऐसी प्यास नहीं लगी थी कि प्यास से व्याकुल हो जाएं और सर्प को शमी ऋषि के गले में लगा दें, ऐसा कोई घटना नहीं घटा था। जो व्यक्ति गर्भ में ब्रह्मास्त्र का अग्नि को सहन कर सकता है, वो प्यास, धूप की प्यास से वो क्या सहन नहीं कर सकता था। लेकिन भगवान की इच्छा थी क्योंकि ये और जन्म ना ले, उनको कोई ना, जल्दी से जल्दी भगवत धाम आ जाए, ये इच्छा थी, तो भगवान अरेंज करते हैं। तो इसलिए मृत्यु कैसे हुई और उसमें कोई रक्षा नहीं हुई, ये चर्चा के विषय नहीं है। चर्चा के विषय है कि वो जीवन भर क्या किया। जीवन भर वैष्णव जब करता है तो उसकी रक्षा कर कर सेवा करने के लिए भगवान रक्षा कर लेंगे तो सेवा होगी, और रक्षा नहीं करेंगे तो भगवत धाम जाएगा। तो वो शायद भगवत धाम जाना चाहते होंगे, 718 हो, तो भगवान के माध्यम से ऐसा करवा देते।